और तीन चार पाँच दिन हो गए ने उत्थे एक भाई बाबा मान सिंह ने हरियाणे तो गूला चीका उन्हों का कोई डेरा दस देने भरा उतों आण के उन्होंने जोड़ा कब्जा कर लिया। 23 तरीक न ही शाम 4 बजे तक जोड़ा वो डिस्प्यूट जो प्रशासन ने जोड़ा वो निपटा लिया। संगत अपील करते हैं भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरपुरब से वध तो वध जिस तरह पहला संगत आनिया चाहदियाँ ही उस तरह आन और गुरु नानक के दर से नतमस्त हो गुरु नानक खुशियां प्राप्त करना। कल जो भी स्थिति सी लग रहा सी कुछ जी भी बहुत पुत्र दिहाड़े के उत्ते है जी विस्फोटक जिदा भी गां खबर आ रही सी पर फिर भी चलो प्रशासन ने सारा कुछ संभालिया वा जी अज जी स्थिति है बहुत नॉर्मल आ। मैं जसवंत सिंह जी सुल्तानपुर मल्ला सिखा सुल्तानपुर शहर निवासी दे निवासी हाँ जी। कल जो भी स्थिति सी लग रहा सी कुछ जी भी बहुत पुत्र दिहाड़े के उत्ते है जी विस्फोटक जिदा भी गां खबर आ रही सी पर फिर भी चलो प्रशासन ने सारा कुछ संभालिया वा जी अज जी स्थिति है बहुत नॉर्मल आ। हाँ जी तो संगत देखो तुम बिना रेक टोक आ रही वा बाकी भी असं संगत अपील करते हैं भी कोई डर कोई मन के इदा का ना रखो निश्चिंत हो के गुरु घर आओ तो दिहाड़े दे तो योगदान पा के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त। मैं रजिंदर सिंह कौंसलर सुल्तानपुर लोधी। कल के हालात जोड़े थे बहुत भयानक है हालात जो देखने लगता है भी यानी कि माहौल खराब हो जूगा रात का होगा। कल के हालात से बहुत माड़े पर प्रशासन ने सरकार ने अपनी सूझबूझ नाल बहुत वधिया हालात नूं काबू कीता और मैं प्रशंसना करदा सरकार की भी बहुत इस वे सिफत करदा भी इन्होंने जिहड़ा शहर का माहौल है बहुत वधिया कर दिता हैगा। हुण कल हालात शाम दोपहर तो बाद बहुत वधिया हो गए है सरकार संगत नूं यह बेनती है जी संगत जिहड़ी आ हुण मुवा के आण किसी तरह का हुण कोई माहौल इस तरह का नहीं हैगा कि संगत दर्शन ना कर सकन। साडियों भी लोगों के फोन आए हैं इस तरह के भी इतर हालात हूँ बहुत वधिया हालात ने। मैं संगतान को बेनती करता वा कि तुम हम आके आओ गुरु महाराज के दर्शन करो आके सारे अच्छी तरह सेवा करो महाराज सब से कृपा करो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दास जरनैल सिंह मैनेजर गुरद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी। धन धन जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी जो जगत को तारन वाले आ उन्हों का प्रकाश दिहाड़ा जोड़ा वो 25 नवंबर तो लैके 28 नवंबर तक गुरु नानक नाम लेवा संगत और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जथेदार प्रधान साहब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हरजिंदर सिंह जी धामी साहब और चीफ सैकटरी सरदार प्रताप सिंह जी के दिशा निर्देश अनुसार जोड़ा ये गुरपुरब मनाया जा रहा है। ये गुरपुरब के प्रबंध ने जोड़े वो सारे जोड़े साढ़े मुकम्मल हो चुकी है रहायश का प्रबंध लंगर का प्रबंध और जिन्नी भी दरबार साहब के अंदर प्रबंध होंगे ने डेकोरेशन लाइट डेकोरेशन फुलों की डेकोरेशन जी सारे प्रबंध साढ़े जोड़े ने मुकम्मल हो चुके हैं। एक सोशल मीडिया के और टीवी चैनलों पर कल की जी सवेर की खबर चल रही थी भी एक बाबा इन्हों का बुढ़ा दल इन्हों का 96 करोड़ का जोड़ा है गुरद्वारा साहब है गुरद्वारा बेर साहब के सामने वो अपना उन्होंने कोई पैली का जोड़ा वो जमीन का डिस्प्यूट चल रहा है। पहला इतने एक बाबा लाल सिंह होंगे ही उन्होंने कब्जा से उस तो बाद 4 साल हो गए ने इतने बाबा बलबीर सिंह जी जे उन्होंने कब्जा हो गया और तीन चार पाँच दिन हो गए ने उत्थे एक भाई बाबा मान सिंह ने हरियाणे तो गूला चीका उन्होंने कोई डेरा दस देने भरा उतों आण के उन्होंने जोड़ा कब्जा कर लिया। तो दरमियान जोड़ा प्रशासन उन्होंने कहता है गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है तो इतने निकल जाओ उन्होंने ये कल सुबह 23 तरीक न सवेरे 5 बजे उन्होंने जो क्ढन गए वो अगों गोली चल गई एक पुलिस का जवान है जोड़ा वो मौत हो गई वो बाकी 4-5 जख्मी होए ने वो सवेरे कल जोड़ा इन्ना ये डिस्प्यूट पिया वो कल 23 तरीक न ही शाम 4 बजे तक जोड़ा वो डिस्प्यूट जो प्रशासन ने जोड़ा वो निपटा लिया सहमति कर ली और जोड़े निहंग सिंह ने उतों गुरद्वारा साहब से उन्होंने बाहर कढ़ दिए। इस करके गुरद्वारा साहब तो 145 लाती है भी ना वो जथेबंदी आएगी ना वो आएगी। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।